स्मार्ट सी, ये देखिए ये जाल में लटक के आता है ये वाला, और हिल रहा है जाल अंदर में यहाँ में। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छा होता है ना गोल गोल मछली खाने। सो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बढ़िया होंगे। होगा गाइस, तो गाइस मौसम तो ऐसा पूरा खुला खुला आसमान भाई साहब पूरा क्लीन है, लेकिन हवा चल रहा है गाइस, और मेरा सोलर को थोड़ा यहाँ पर लेटाना पड़ेगा। पूरा लेट रहा होने से भी इतना जल्दी चार्ज नहीं लेता है ना, सफाई करना पड़ेगा इस सफाई कपड़ा से सफाई करने से अच्छा रहेगा। हो गया, अभी जाना है मुझे नदी जाना है। मैंने जाल बिछा के आया था, मछली फंसे नहीं फंसे बनी रहे मेरा वीडियो पर जाते गाइस, और मछली नहीं फंसने छोटा फिर ऊपर जाना पड़ेगा छोटा जाल लेके नेट लेके। तो गाइस फाइनली नदी पर पहुंच चुका हूँ, यहाँ पर मैंने जाल बिछाया, अभी देखते हैं मछली फंसे नहीं फंसे। तो वहाँ पर तो मोबाइल बंद करना पड़ेगा क्योंकि धो है ना, पानी गहरा है, फिर पानी में मोबाइल गिरेगा तो बर्बाद हो जाएगा गाइस। गाइस ये देखिए पूरा जबड़ा जबड़ा लग गया, अब जाते घर पर जाके छोटा फिशिंग कर जाना पड़ेगा, वाटर मास्टर में उठाना है। तो देखिए सिमसाक भी होगा शायद, मिलने से उसको भी उठा के लेना पड़ेगा। गाइस मछली तो मिले नहीं, अभी जाते छोटा फिशिंग पर, और नेट भी लिया तानने वाला ये, और ये है हाथ से फिलाने वाला, तो देखते हैं कितना मछली मिलेगा। तो इतना तो खास दिखा नहीं पाऊँगा अकेला ना, कि मेरा मैन भी नहीं है, तो कभी कभी दिखाते मारते वाटर मास्टर भी उठाऊँगी पहले। तो चलो जाते हैं नदी पर गाइस। तो गाइस फाइनली अभी पहुंच चुका हूं नदी का लोकेशन पर, और यहां पर मैं वाटर मशरूम ढूंढूंगी। तो ढूंढने का बाद तो फिशिंग कर करके जाता है, नदी जाना पड़ेगा गाइस। यहां पर जाले पहले ढूंढ लेते हैं। ये देखिए गाइस वाटर मशरूम बहुत बड़ा बड़ा है यहां पर। ओ भाई साहब मेरा, ये देखिए पूरा चमक रहा है ना, तो इसको उठाना पड़ेगा इस, तो पहले बोतल पर डालना पड़ेगा, ये बोतल पर फूल करना पड़ेगा इस। उठा लेते हैं पहले पूरा, यहाँ बहुत है गाइस, उठा लेते हैं पहले मशरूम। या गाइस ये देखिए माँ वाटर मशरूम इतने मिला है, वो थोड़ा आगे देखते हैं, वहाँ आगे में बहुत मिलता है, तो अभी फिशिंग कर करके जाना पड़ेगा मुझे। तो जल्दी फिशिंग करना है, और कितना मछली मिलेगा मैं बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि अकेला कैमरा मैन होने से बहुत दिक्कत होता है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं फिशिंग के लिए, और मशरूम भी ऊपर में जाके उठाना पड़ेगा। इस मछली ये देखिए ये जाल में लटक के आता है ये वाला, और हिल रहा है जाल अंदर में यहाँ में। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छा होता है ना गोल गोल मछली खाने में, बहुत टेस्टी होता है, और है ना नहीं है। ओह है तो यहाँ में है भाई साहब, ये देखिए गाइस, तीन तो मिल गया और तो नहीं है, तो अभी फिर इस तरफ मार के जाना पड़ेगा। कारेन मिलता है भाई, ये ना गाइस पूरा कारेन बहुत रहता है, बहुत वाटर मशरूम है। देखिए यहाँ से उठाना पड़ेगा अभी। ओ भाई साहब ये देखिए गाइस ना बड़ा। ओ भाई साहब ये देखिए, अरे एक तो गया अरे भाई पकड़ लिया, बहुत स्लिप करता है गाइस, और यहाँ हमें बोतल में डालना पड़ेगा। तो उठा लेते हैं गाइस, कैसे पानी मशरूम बोलता है, हम लोग उठाते हैं ना पानी के अंदर में, वही दिखा देते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे रहता है पानी के अंदर। ये देखिए ये एक हुआ, दो तीन चार छोटा और भी हो रहा है। देखिए ऐसे रहता है पानी में अंदर में, ऐसे रहता है, ऐसे रख देना पड़ेगा क्योंकि ये फिर बड़ा हो जाएगा बाद में, इतना बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा उठा लिया मैंने, ये देखिए थोड़ा सा फूल नहीं हुआ, होने से मेरे लिए काफ़ी है, हम लोग के लिए इतना खास नहीं मिला है, थोड़ा मार के जाना पड़ेगा। तो देखिए, और गाइस
फिशिंग किया, मछली तो इतना मिला नहीं। और आते आते यहाँ पर पूरा सिमसाक दिखी ना गाइस, वहाँ में भी है, यहाँ में भी है। ये देखिए गाइस सिमसाक, वाओ ये देखिए पूरा सिमसाक सिमसाक। तो उठा लेते हैं गाइस इसको, शाम का डिनर में खाना पड़ेगा। वो भाई साहब क्या मस्ती मस्ती सिमसाक सिमसाक। ओ भाई साहब ये देखिए, ये देखिए गाइस पूरा बहुत मज़ा होगा गाइस। उठा लेंगे पहले तो कितना लिया मैं घर में जाके दिखाऊंगा। और ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा फिशिंग करेंगे ऊपर तरफ भी मछली मिलता है, देखते हैं। मिलने से तो आप लोग देखने मिलेगा। उठा लेंगे भाई साहब, नदी से निकल के अभी जा रहा हूँ घर। यहाँ पर झोला तो कितना मछली मिला, क्या क्या मिला मैं दिखाऊँगा घर में जाके, और वीडियो भी अपलोड होंगे जैसे तैसे। अभी देखते हैं बारिश गिरने सोच रहे हैं अभी। अरुणाचल प्रदेश की चाय पात, ये देखिए गाइस वाओ इतना सुंदर सुंदर, ये देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश में ना चाय खेती बहुत ज़्यादा होता है। चाय बगान देखिए ग्रीन ग्रीन हो चुका है ना, अभी थोड़ा दिन में पत्ता उठाने होगा। लेकिन हम ये देखिए वाओ गाइस देखिए, लेकिन हम लोग का नहीं है, यहाँ का मट्टी मालिक लोग का है। भाई साहब अभी घर जाना है, भूख लगा मुझे। यहाँ पर मछली लेके आया, कितना मिला है दिखाऊंगा, और सिम साग भी लेके आया। आज रात शाम को डिनर में खाना पड़ेगा। यहाँ पर सिम साग, वाटर मशरूम साग, वाटर मशरूम बैन साग, और यहाँ ये देखिए लोकल फिश। ज़्यादा नहीं मिला है, थोड़ा ही मिला है। ये देखिए गाइस अभी चटनी बनाना पड़ेगा इसको। और ये है ये वाटर मशरूम, ये वाटर मशरूम बैन साग, सिम साग भी भन्छ है यसलाई, सिम साग बढिया हुन्छ है गाइस। यो चाहिँ रातिको डिनरमा खानुपर्छ, बेलुकाको डिनरमा। यो चाहिँ दिउँसोको ब्रेकफास्ट भन्दा पनि हुन्छ, लन्च भन्दा पनि हुन्छ। चटनी बनाएर खानुपर्छ गाइस, अनि खाएर चाहिँ दुध पुऱ्याउनु पर्छ। रेडी हो चुका है यहाँ पर छोटा छोटा पोटेटो ड्राई फ्राई किया, और ये है बम्बू सूट और मछली। और यहाँ पर मशरूम गाइस, अदरक और थोड़ा सा चिली दिया। और यहाँ पर मैं, चलो गाइस पूरा दिन का लंच हो गया, अभी उपाय नहीं, बहुत लेट हो चुका है। खाना खा कोई गाइस, अब सदैव पानी को बदली आज मही खाना खाव तिमी, यहाँ छ मही खाना पड़े गाइस। मछी और बम्बू सूप डालना पड़ेगा, बहुत बढ़िया होता है गाइस। मशरूम ये ठीक से सफाई करना पड़ता है तब खाना है, नहीं तो बालू बालू होता है। आलू को चटनी रुकम थी, वहाँ पर खा रहा है मम्मी, कसो टेस्टी भयो नि, दामी छ है, दामी दामी गाइस। यता मेरो चाहिँ मागिरहेछ, यहाँलाई दिदी हुँ ल खा मेउ मलाई गर्दै खानेछ। बम्बू सूट और फिश, चटनी दामी गाइस।
रेडी हो चुका है दूध, अभी जाना है पहुँचाने पम्प का वहाँ और इधर उधर देना है। तो अभी वहाँ पर देखिए जल्दी घूरना है। बस फाइनली पम्पम भाई की रिजल्ट पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर दूध रख दिया 1 लीटर और पम्पम भाई पूरा वहाँ पर सफाई कर रहा है अपना, क्योंकि रिजल्ट सफाई कर रहा है आज। सफाई लगा लिया पम्पम भाई का साथ में, अभी दूध भी पहुँचा दिया पम्पम भाई को, कुछ दुख सुख का बात किया और जा रहा हूँ। गुड इवनिंग सभी को, जितना भी सबका व्यूअर्स तो देखिए हम लोग का, सबको गुड इवनिंग। आज मतलब क्या बोलो, मतलब कुछ वर्ड नहीं आ रहा आपको देख के ना, मतलब मोटिवेट होता है अभी आपको देख के, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग में ना, हम तो टाइम ही नहीं दे पा रहे कभी। देखो ना चूल भी नहीं खराब। आज सुबह गया था, अभी आया आज, अभी हाँ ब्रेकफास्ट हाँ खाया था घर में दिन में। कल में तो गाड़ी बनाने गया बोल रहा था, अभी थोड़ा सा काम में जाएगा बोल के। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा बहुत ही खुशखबरी है आप सभी के लिए, मेरे लिए। तो रिजॉर्ट क्या के लिए अच्छे से नहीं चला रहा है, अभी थोड़ा कुछ कारण था, अभी वो काम हो गया, उसके बाद में अभी अच्छे से चलाएंगे। लाइसेंस भी हो गया ना? हाँ सब हो गया, अभी डीजे नाइट बनाए खोलेगा ना, नाइट भी होने वाला है अभी बहुत बढ़िया से धमाका मचाने। ठीक है ठीक है, मिलते हैं फिर पम्पम भाई। पम्पम भाई मजा आएगा। हाँ भाई पम्पम वहाँ पर जाके दूध दे दिया, फिर यहाँ पर देखा है बहुत कमीट भाई साहब। और पहुँच चुका हूँ घर, और आते समय मैं दूध देके आते समय पौर कमीट देखा है, वहाँ पर काट रहा था मैंने, बिक्री कर रहा था, वहाँ से 100 रुपये ले, 100 रुपये का लेके आया, 100 रुपये का जो यूट्यूब का पैसा का, 100 रुपये का आधा किलो लेके आया, वो छोटा छोटा होता है ना जो सब मिक्स करता है वाला लेके आया। ये देखिए यहाँ पर है गाइस, यहाँ पर। और तो ये दूध का बोतल है, इसको रख देते गाइस। ओ भाई साहब दूध का बोतल भी यहाँ पर है, और ये है चीनी, चीनी है गाइस, चीनी चाय पीता है ना, और लाइट ले बैटरी लेके आया, और ये मीट पोर का मीट गाइस, डबल प्लोटिंग है, बाद में दिखाऊंगा। और मडो मडो म्यूजिक। सो गाइस अभी पोर का मीट बैठा भी लिया, क्योंकि बहुत लाल था ना इसलिए नहीं दिखाया मैंने, टेस्ट ज़्यादा था इसलिए। देखिए मतलब बढ़िया से ग्रेवी बन रहा है, और रोहन भी बना रहा है ना, बढ़िया से बना हुआ। और रोहित का मम्मी क्या कर रहा हूँ, धनिया ना वो ये लगाओ, ये शिमशाक ना मिक्स करो। हाँ पर मम्मी धुला रहा है, सब धुला के रेडी हो चुका है थोड़ा सा है, और शिमशाक है पूरा, और यहाँ पर पूरा पोर्क का मीट देखा सभी का, पूरा उसका हेड का है ना, वो खरीद के लाए पिताजी ने, इसको पूरा मिक्स करेंगे और खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है गाइस। ये देख ही सकते हैं, इसको अच्छे से पूरा धूप पर थोड़ा थोड़ा सुखाना है ना, उसका पूरा ऐसा स्मेल नहीं आएगा, तो खाने के लिए बहुत अच्छा होगा, इसको अच्छे से चलाना पड़ेगा। अभी ये देखते हो गाइस, खाने के लिए बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग भी बना के खा सकते हो। ये देख सकते हो गाइस, और थोड़ा बात पर थोड़ा सा झोल लगा देंगे, तो इसको अच्छे से चला लूँगी गाइस, अभी मैं पूरा ऐसे ऐसे चलाना पड़ेगा, चला लेते हैं गाइस अभी, और थोड़ा सा झोल लगा देते हैं। ये देख सकते हो गाइस, थोड़ा सा लगाएंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे, अभी धनिया लगा देते गाइस। ये शिमशाक खाने से लिए ना गाइस बहुत ही विटामिन होता है बोलते हैं, ये शरीर दर्द सब कम को, अभी थोड़ा आग लगाना पड़ेगा गाइस, उसको उसका बाद उतलने के बाद मैं खाना खाऊंगी गाइस, अभी थोड़ा देर बाद इसको उतलने देते हैं। अभी कैसा हो गया, ओ भाई साहब देख ही सकते हो गाइस, पूरा उतल चुका है, मैंने धनिया तो लगा दिया था पहले ही, यहाँ पर धनिया लगाने कुछ फ़ायदा नहीं, पूरा दिखाई नहीं देता, ये देख से खुशबू से पहचान जाता है ना गाइस, धनिया लगाया है कि नहीं लगाया, तो इसको अभी चलाएंगे गाइस, कैसा हो गया, पक गया कि नहीं पक गया, ये देख सकते हो गाइस पूरा पक चुका है, अभी खाने का लायक हो चुका है, इसको अभी नमाना पड़ेगा। ये देख सकते हो गाइस आग भी पूरा जल रहा है, मेरे तो आग नहीं जल रहा था अच्छा से, तो इसको नमाएंगे गाइस अभी। खाना निकाल रहा है अंजू, देख सकते गाइस, चोर्स गाइस चोर्स। हाँ मम्मी पापा का लिए हम लोग भी खाएंगे। हाँ
सो गाइस अभी रात का डिनर हम लोग पूरा सभी फैमिली बैठ के अभी खाने वाला हूँ, पोर्क का मीट और सीम साग। ये देखिए गाइस मेरा पूरा रेडी हो चुका है, ये देखिए साग सीम साग और यहाँ पर चावल और यहाँ पर रोहित का मम्मी खा रहा है वाह सीम साग और समीठे सा रोहित पूरा चेस कर दो, एकदम टेस्टी है, बबाल बबाल पूरा फिनिश कर देंगे। हां फिनिश करो ठीक है। हां ऐसे बोलो और यहां पर खा रहा है गाइस, फिनिश करने वाला हो गया, इतना जल्दी खाता है साहब। और सब्जी में है रे निकाल के खाओ, सिम साहब तो और मीठा बनाने वाला है। हां पर देखिए गाइस बहुत टेस्टी लगा इसलिए बहुत टेस्टी ना। और ये बोतल का पानी गिलास में खाओ रे रोहित, यहां में रख दिया मैं पानी, गिलास लेके आओ वहाँ से। सुमन मासा सीम साग तो बहुत मीठा होता है। दामी नहीं। और इधर खाना मस्त। दामी से दामी दामी इधर। मजा आ गया। खाओ खाओ। दोनों खाओ। विटामिन उनका रहता। मेरे देश में तो बहुत दाम सारे। बहुत राम राम। उतावनी तानी जो कालीबुङमा पनि त बहुत दाम छ नि। हा खाओ लगाउँदै खाऊ हाँ। यहाँका मान्छेलाई खानु जाँदैन। अनि एकै जग्गा राखेर है कुकुरलाई दिनुपर्छ ल। बढिया से रातका डिनर। और रोहित अन्जु उसका मम्मी तो खा लिया, अभी मैं खा रहा हूँ। क्योंकि मैं कमेंट रिप्लाई करते 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 अभी ये खाना खा रहा हूँ गाइस, क्योंकि कमेंट में रिप्लाई करना पड़ता है ना। ये देखिए गाइस लेकिन बहुत टाइट है पॉर का मीट। सुखा लेके आया था पूरा, इतना टाइट है, बहुत बहुत इयर्स का होगा उसका, खाने में इतना टेस्टी टू टेस्टी बनाया लेकिन थोड़ा टाइट है। तो गाइस और कल रात तो बहुत रात भी हो चुका था, तो हम लोग सभी फैमिली बैठ के तो एक सुखा पोर का मीट लेके आया था यूट्यूब का पेमेंट का पैसा से, तो बहुत अच्छा लगा गाइस। और रात को तो बैटरी भी थोड़ा कम था, मेरा तो वही होते रहता है, दिन भर ब्लॉग करो ब्लॉगिंग करते करते बैटरी भी तो होना चाहिए ना वीडियो एंड करने के लिए गाइस। और अभी चार्ज थोड़ा किया लेकिन मौसम तो इतना नहीं, और मौसम तो ऐसे रात में भी थोड़ा थोड़ा बारिश हवा तूफान तो आते रहता है, आया ही था। और तो अभी चार्ज किया थोड़ा, अभी 25% है, अभी वीडियो को एंड कर रहा हूँ गाइस। आई होप कि आप सभी को वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। लव गाइस, मिलते हैं दूसरी ब्लॉग के साथ।